ऐसा डीपीसी रहने से मेरा मन कहता है कि उसी का वजह से ये सब हो रहा है, इसीलिए उसको हटाना ही होगा। हम लोग का जो लकान का एजुकेशन सिस्टम है, मुझे एक टूटा फूटा घर का जैसा लग रहा है। 2 लाख टका दे रही लोग निकले कपड़ा के साथ में, जीपीएम के साथ में विजिट करने के बाद में देखा कि हालात बहुत ही खराब है। मतलब हम जेपीएम साहब लोग से मतलब रिक्वेस्ट है कि हम लोग अगर यूनिफॉर्म को बांटने का बजाय बच्चा लोग का तो अकाउंट तो लेता ही है, तो उसका अकाउंट में पैसा को भेज देने से ज्यादा ठीक रहेगा। अभी टीचर्स का कमी तो अभी हर गांव में मतलब इतना स्कूल हो गया कि टीचर का इतना मतलब कमी है। एक स्कूल में एक टीचर और 10 स्टूडेंट ऐसा होता है, एक टीचर भी लेकिन वो इंचार्ज का काम करेगा ना, तो वो स्टूडेंट लोग को पढ़ाएगा, ऐसा हो जाता है। 9, 10, 11, 12 एक बार फेल होले नेक्स्ट टाइम मौका नीजिए। आगते दीसिले स्कूलत आहिबो दीसिले, मय कइसो एडमिशन न हो किन्तु क्लासत आहिबो दिबो लागिसिले, कारण आमी दुखिया मानु 9, 10, 11, 12 ए टाइमते लवा सले बिया ए टाइमत जते यात आहिबो नि दिए रूमत हमाबो नि दिए तेतेला आमार लवा सलेबो 9, 10 घरत टीशन केनेके दिमान टीशन दिबो नोयो गटिके दुबार तिनबार फेल होवा पाछ ली कबाले लड़ाई मैं ड्रास खा कानी खा बेहद लाइन गुस जाए छोड़ी गुस जाए इनडाइरेक्टलि गोले मैं डायरेक्टलिए कह दूम जो आई टी आई मारि आई टी आई मारे क्या काम बेहद देखिले आई टी आई मारे तक जो आई टी आई मार्ग 2 लाख टका दे रही लो कि चुपचाप बहि देखिले आई टी आई मार नुक एक्सट्रा असिस्टेंट कमिश्नर को ये कम्प्लेन लेटर लिखा था, कम्प्लेन अगेंस्ट सप्लायर ऑफ स्कूल यूनिफॉर्म for breach of supply norms. Second point, the supplier did not collect the enrollment of the current session. Thirdly, the material supplied is not up to the desired quality and standard. Mera ye complaint tha against the supplier. Ekdam top se leke yahan block level tak sabse pehla agar koi responsible hai to BO hai BRC. Hum log ko agar thoda confidence mein lete to is type ka problem kabhi nahi aata. Sabse durbhagyajanak ye baat hai, जब ब्लॉक एजुकेशन ऑफिस को कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा तो वहां सबसे खराब बात है, मॉनिटरिंग कौन करेगा काम को? आप लोग का मेन जो हम लोग का हेड है अभी डीपीसी यहाँ से, तो उसको मैनेज करना था। यहाँ में 2 जेपीएम है, उसको मालूम नहीं है 2 जेपीएम? हम लोग को तो कभी बुला के सिटिंग नहीं बिठाए, इस विषय में बात करना था हम लोग से। अभी अभी जानने को मिला बीओ का कॉम्प्लेन नहीं है, बीओ एक लेटर लिखा है उसका, उसको बोल रहे अपना पाव में कुल्हाड़ी मान। एक क्या बात हुआ, इसलिए मेरा ये है ऐसा डीपीसी रहने से मेरा मन कहता है कि उसी का वजह से ये सब हो रहा है, इसीलिए उसको हटाना ही होगा। हम लोग का डिमांड यही है यूनिफॉर्म को तो री ये देना होगा, फिर जैसे पहले चल रहा था उस हिसाब से। और सेकेंड है विद इन ए वीक डीपीसी का ट्रांसफर ऑर्डर चाहिए। 20 स्टूडेंट वो तो पास आउट हो गया, एडमिशन क्या 20 तो होता है क्या क्लास 1? तो शॉर्टेज भी जो लास्ट ईयर का एनरोलमेंट का हिसाब से भी कमी नहीं होना चाहिए। जो क्लास 5 में मान लीजिए आपका 15 स्टूडेंट है, ऑल आर पास आउट, तो क्लास 1 में कितना एडमिशन होता है? मैक्सिमम 2-3-4 में होता है। हाँ, वो तो शॉर्टेज तो नहीं होना चाहिए था मेरा क्या। देखिए एक कोई एक एक लड़की का इतना गांव का बड़ा होता है, एक पैर भी नहीं घुसेगा। और नेक्स्ट साथ भी है, इसमें सेम साइज है, इतना छोटा छोटा बेटा है। आप क्यों रिसीव होता है? और हेडमास्टर को हम लोग बोलता हूँ रिसीव मत कीजिए, हम एसएमसी मेंबर को बुलाइए, आज देख देख के लेना है, जो सही होगा तो ब्लो, सही नहीं होगा मत लाना है। आज हम लोग एज ए जेपीएम आज यहाँ में क्यों बुलाना पड़ा? इसलिए बुलाना पड़ा कि हम लोग आपसे मालूम हो रहा है कि नॉर्म्स बोल रहे हैं, हम लोग सिटिंग होने से तो हम लोग बोल लेना था ना, ऐसा ऐसा नॉर्म्स है, ऐसा ऐसा बात है, तो हम लोग बोल ही नहीं सकते हैं। तो इसीलिए जो लेखन का बारे में आ रहे एक डीपीसी को मालूम नहीं है, जेपीएम 2 जेपीएम है यहाँ में, जीपीसी लोग है, एसएमसी है, तो हम लोग को बुलाना चाहिए। अरे डायरेक्ट मोहन मोर्जी सप्लाई तो ये तो नहीं चलेगा ना लेखन में, तो इसीलिए ये इस बार ये नो एक्सक्यूज नहीं होगा, अगर इस बार माफ कर दिया बार बार चलते रहेगा, तो इसीलिए
और मेरा ये एक मैसेज है यहाँ से, और जो भी डीपीसी को नहीं अच्छा है ये हमको सुनने नहीं मिला, पॉलिटिक्स नहीं होना है, वो तो लेकांग का ये होगा, लेकांग का गद्दार होगा, हम लोग का बच्चा लोग का फ्यूचर का बर्बाद करने वाला आदमी होगा, कोई भी आगे नहीं आना है। ये सब में सपोर्ट करने के लिए डीपीसी को रुकाना है, नहीं आना है कोई भी हो। नेक्स्ट अगर कहीं न्यूज व्यूज में भी मिलेगा तो हम लोग को फिर पब्लिक जानेगा, हम लोग को पूरा पब्लिक को बुला देगा, पब्लिक का ऊपर सर, क्योंकि हम लोग पब्लिक का रिप्रेजेंटेटिव है, हम लोग पब्लिक लोग को बुलाएगा, पब्लिक का सामने एक्सप्लेन करना पड़ेगा। जो बोला है टीचर का शॉर्टेज, हम लोग ऐसा नहीं है कि हम लोग टीचर का शॉर्टेज का बारे में चिंता नहीं करता है। हम 22 में 31 प्राइमरी स्कूल इन लेकांग व्हिच आर लेफ्ट विद सिंगल टीचर, 31 प्राइमरी स्कूल में सिंगल टीचर था। फिलहाल 100 डेज बैंक का हम डीसीएम सर से एक फंड मांग के अभी कंप्लीट होने वाला है कुछ दिनों में, 100 डेज बेंच का हम अपर प्राइमरी 50 एंड लोअर प्राइमरी 50 का बीओ को हैंड ओवर करेंगे। एक्चुअली हम लोग का लेकांग में हाल ही में कुछ दिन पहले यूनिफॉर्म सप्लाई का विषय यूनिफॉर्म सप्लाई हुआ, तो इस सोर्सेस से पता चला हम लोग एज ए जेड पी एम में वन लेकांग वन लोअर लेकांग का जेड पी एम ये हो गया आपका अपर टू अपर लेकांग जेड पी एम, तो एज ए जेड पी एम पहले भी यूनिफॉर्म सप्लाई को लेके हम लोग ने डीडीसी मैडम सभी को एक डीसी को सबको एक कंप्लेन रखा था 2021 को एक दिया था कि यूनिफॉर्म सप्लाई नहीं होना है बोल के नॉट टू सप्लाई, क्योंकि आज से दो तीन साल पहले जो एसएमसी अकाउंट में जो पैसा घुसता था हम लोग का स्टूडेंट के लिए जो आता था यूनिफॉर्म के लिए, तो उसका एसएमसी कमिटी चेयरपर्सन और टीचर इंचार्ज मिल के टेलर को बुला के, तो कोई कोई स्कूल में दो पेयर तक यूनिफॉर्म अच्छा से क्वालिटी दिया सबको बच्चा लोग को मिलता था। तो हाल ही में लास्ट ईयर मतलब सप्लाई जब हुआ तो हम क्वालिटी का बारे में तो छोड़ो जो भी हो ठीक, लेकिन साइज जिस स्टूडेंट को भी दे रहा है कोई पहन नहीं सकता है, वो देना ना देना बराबर जी। हाँ नंबर वो लोग का कहना है कि एनरोलमेंट लास्ट ईयर का दिया है, तो वो लोग का ये कहना कि पुराना एनरोलमेंट हिसाब से दिया है, तो ठीक है वो हिसाब से दी, लेकिन जो यूनिफॉर्म बच्चा को दिया जा रहा है वो पहनने का लायक ही नहीं है, उसका साइज ही नहीं मिलता है, तो मिलना ना मिलना क्या वो कुछ काम का नहीं रहा जी। तो और आजकल हम लोग का गवर्नमेंट स्कूल में कौन पढ़ाई करता है जो एफोर्ड कर नहीं पाता, एक कॉपी तो कोई कोई माँ पिताजी एफोर्ड नहीं कर पाता है, तो ऐसा बच्चा का यूनिफॉर्म तो ना मिलना दे रहा है लेकिन पहन नहीं सकता है जी। तो बहुत दुख का बात है। उसका बात और एक बात है कि एनरोलमेंट हिसाब से जो बोला है पुराना, तो लास्ट ईयर मान लो आपका क्लास टू में 10 था, इस साल 15 आ गया, तो एक सोच के देखिए 10 बच्चा को आपको मिल रहा है उसका सामने आपका ये यूनिफॉर्म और 5 बच्चा देख रहे हैं, तो उस बच्चा को कैसा हार्ट कैसा फीलिंग होगा, जबकि बड़ा आदमी लोग कोई कोई कहीं मीटिंग में आपको कभी एड्रेस देने जाता है तो हमको एड्रेस नहीं लिया बोल के कुछ अंडर में लगता होगा, हाँ कहीं में फैसिलिटी करता है कोई रह जाता है, तो बच्चा का मन में एक छोटा बच्चा का मन में ऐसा हो जाएगा कि हमको क्यों नहीं मिला, वो तो एनरोलमेंट क्या है उसको क्या पता बेचारा बच्चा लोग को, तो उस विषय में हम लोग देखा है कि यहाँ में जो सप्लाई हुआ है हम लोग को दुख लगा है, और जो देना ना देना बराबर है, और खास करके यहाँ में पॉलिटिक्स तो नहीं लाना है, लेकिन एक बात कहूँगा कि हर कोई कहता है कि पेमा सरकार में स्कैम हो रहा है, तो ये छोटा छोटा चीज में बदनाम हो जाता है। ऐसे ये भी हम लोग का अपर हम लोग बीजेपी से कैंडिडेट से हम लोग जीता हुआ जेडपीएम है, लेकिन आंखों का सामने ये भी तो गलती देखने नहीं सकता है, वो सरकार का हम लोग गलती नहीं बोलेगा, लेकिन यहाँ में जो मैनेजमेंट सरकार तो दे रहा है, लेकिन ऐसा नीचे स्तर हम लोग का यदि नीचे में ऐसा घोटाला करेगा तो हम लोग बाद में सरकार का बदनाम होता है, इसीलिए हम लोग चाहता है कि सरकार तो जो चाहिए वो दे रहा है, किताब मिल रहा है दे रहा है, लेकिन ये चीज में ये सप्लाई में ये
स्कैम हो रहा है सप्लाई में, जो साइज का मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, इसीलिए सरकार का तो थैंक्स कहता हूँ। लेकिन यहाँ में हाल ही में हम लोग को अभी सुनने मिला, अभी यहाँ मीटिंग में भी हम लोग का बीओ लेकांग ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर जो बोला, पहले भी हम लोग बीओ को बोला, बीओ को लेटर लिखने दिया था डीपीसी को, तो ये सप्लाई में कंप्लेन आ रहा है ऐसा, तो वो बोला अपना पाँव में कुल्हाड़ी मारने जैसा, ये क्या बात हुआ, इंक्वायरी करो, आप एक एजुकेशन का हाई लेवल में बैठा हुआ है, इम्प्लीमेंटेशन क्यों सही नहीं उसको पता करना चाहिए, उसको पता करना चाहिए। और अभी बोला, अभी पता चला हम दोनों जेपीओ को पीएफएमएस में डालने से कुछ प्रॉब्लम आता है स्टूडेंट लोग का, उसके लिए तो हम लोग को बुला के एक सीटिंग बैठना चाहिए ना, कहाँ में क्या प्रॉब्लम है, करेक्शन करना है, लेखांकन के बारे में तो हम लोग जानता है ना, तो क्यों नहीं बुलाता है। इसीलिए हम लोग ने डिसीजन लिया आज मीटिंग में, सेटर ऑफ डिमांड दो है हम लोग का, यूनिफॉर्म तो आपको पहले जैसे बच्चा लोग को मिल रहा था वैसा मिलना है, उसका टेलर को बुला के और बीच में सप्लाई अप्लाई नहीं होना है, कुछ प्रॉब्लम है टेक्निकल प्रॉब्लम आप लोग ठीक कीजिए, सप्लाई नहीं होना है, हम लोग का बच्चा लोग को टेलर बुला के जैसे पहले दिया था टेलर को बुला के प्रॉपरली, हाँ टेलर को बुला के तो वो सिला उला के वो लोग को देना है। और सेकेंड डिमांड है कि ऐसा जो मैनेजमेंट नहीं कर सकता है, जो नीचे का बात नहीं सुनता है, हम लोग का बीओ का बात हमको नहीं सुनता है, हम लोग का बी एस तो हम लोग को जेपीएम लोग को नहीं जानते, ऐसा डीपीसी को विद इन ए वीक हम लोग डीसी को लेटर लिखेगा, विद इन ए वीक उसको नामसाई से हटाना है। तो यही हम लोग का आज का रिजोल्यूशन है मीटिंग का, और मीटिंग रखने का मेन कारण था यही है कि ये बहुत पहले रखना चाहिए था, लेकिन अभी जो सिचुएशन आया जैसे कि ऐसे भी बदनाम हो रहा है, एनजीओ एनजीओ एक दूसरे को ब्लेम लगा रहा है कि हम लोग अच्छा क्वालिटी का दे रहा है, कोई बोल रहा है तुम लोग क्या कर रहे, ये सब हम लोग को नहीं चाहिए, यहाँ में पॉलिटिक्स नहीं चाहिए, लेकिन ये जो डिमांड है हम लोग का वो फुलफिल होना है। थैंक यू, थैंक यू सर।